ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट। ओके, यार रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ओके, सो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। कैसे? लाइक आपका कोई फैसला, यू नो, इस हफ्ते अगर आप कुछ चूज़ करते हैं या अपने लिए कोई फैसला लेते हैं या कुछ भी है, तो आपकी जो लव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। क्योंकि टाइम अच्छा है कमिटमेंट के लिए, टाइम अच्छा है आगे, यू नो, रिलेशनशिप को लेके जाने के लिए। अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम, बट डिफ़िकल्ट सिचुएशन विल बी रिजॉल्व। हो सकता है कि कुछ मैटर्स है, यू नो, रिलेशनशिप से लेके जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, या कुछ चल रहा है आपके मन में और आप सोचते हैं और आप कुछ उस, यू नो, कुछ स्टेप फॉरवर्ड करते हैं या कुछ फैसला लेते हैं, तो अगेन वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। सनशाइन का कार्ड आ रहा है, आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए टाइम अच्छा है। सन इज़ शाइनिंग अपॉन यू राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, हो सकता है कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, यू कैन हेल्प देम। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, मैरिज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन फ्रॉड से बच के रहिए, टेम्पटेशन से बच के रहिए, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप जो नहीं होते हैं कि कहाँ आए कहाँ भाग गए, तो ऐसे रिलेशनशिप से आपको थोड़ा सा अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। बाकी सब अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ को लेके कुछ स्पेशल मैसेजेस आना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपका कुछ, मतलब कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ है, कुछ रिजॉल्व हो सकता है। चलिए पहले आज हम करियर की बात करेंगे, फिर आएंगे लव लाइफ पे। करियर वाइज स्कॉर्पियो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग वीक? ओके, सो करियर वाइज आई थिंक चूजिंग, मुझे ऐसा लग रहा है आप डिसकंटेंट हैं। हो सकता है कि आप, ये जो आपकी डिसकंटेंटमेंट है वो आपको आगे लेके जा रही है। आप यू नो नए सिचुएशन में आना चाहते हैं, या चाहते हैं कि कुछ नया हो आपके करियर में, आप फाइनेंशियली और ज़्यादा स्टेबल हो, यू वांट टू सेव मनी, ऑफ कोर्स सब चाहते हैं, ठीक है। एक कंटेंटमेंट मुझे दिखाई दे रही है, एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपका कोई फैसला आपको आगे चल के मतलब यू नो हैप्पी कर सकता है। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में से लाइक फेस करके बाहर निकल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ करियर कुछ स्ट्रगल चल रही थी लेटली यू आर फेसिंग, और अब आपने मन बना लिया है आगे बढ़ने का, ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऑफ कोर्स, तो आप सोच सकते हैं। एक्सपेंशन मोड दिखाई दे रहा है, तो आप अगर आउटकम पूछें फॉर दिस वीक, तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक एक्सपेंशन, और आपका करियर जो ग्राफ है वो बढ़ सकता है, आपका बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है, अच्छा हो सकता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आई डोंट नो, आप बिजनेस रिलेटेड, यू नो, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल है फॉर योर करियर, फाइनेंस, यू नो, या अगर आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हमें यू नो करियर के लिए स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल मैसेजेस भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ है, बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आप मूड में हैं फॉर एक्सपेंशन, फॉर ग्रोथ इन योर करियर, और वो सही है। और पहले भी एंजल्स कह चुके हैं कि इट्स लाइक अ गुड टाइम, आपके करियर, बिजनेस, कम्युनिकेशन इन यू नो लाइक बिजनेस जॉब, किसी के साथ बातचीत हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है जो फ्रूटफुल साबित हो सकती है। चलिए ये तो हो गई लव लाइफ की बात, अगर अब हम सॉरी करियर की बात, अगर हम लव लाइफ की बात करें कि आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, तो मुझे थोड़ा सा सिचुएशन ऑन ऑफ दिखाई दे रही है। आपके मन में किसी के लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऑन द अदर हैंड, ये जो पर्सन है, हो सकता है आपके फैमिली हो, आपके यू नो पार्टनर हो, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट
शायद ये रिलेशनशिप जो है वो स्लो चल रहा है, मतलब उनके मन में आपके लिए ओवरवेलमिंग फीलिंग्स है, आपके साथ फैमिली चाहते हो या फैमिली बनाना चाहते हो। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है, बट शायद स्लो चल रहा है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और है, या एक्चुअली में इट्स लाइक कैरिंग बर्डन। हो सकता है कि पहले से ही कुछ यू नो इश्यूज हैं या कुछ चलता हुआ आ रहा है। तो शायद ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है आप लोगों की। आउटकम में भी मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक कि ऑन ऑफ समथिंग आप लोगों के बीच में। अगर बात नहीं हो रही है तो शायद हो सकता है कि कुछ आपको हिंट मिले या कुछ आपको आपकी बात हो सकती है। हो सकता है कि एक मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, एक चैलेंजिंग फेज शायद हो सकता है। प्यार दोनों तरफ है, लव यू नो देयर इज़ लॉट ऑफ लव इमोशंस फीलिंग्स, बट यहाँ ऐसा लगता है कि कौन स्टेप फॉरवर्ड करेगा। आपके पर्सन भी कोल्ड हैं, वो आपको सिर्फ आपको प्यार करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में सोचते हो या स्टेप फॉरवर्ड करना भी चाहते हो लेकिन नहीं कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर इनटू अ स्लीप मोड, दैट मींस दे जस्ट लव यू, बट एक्शन अभी मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, और मे बी दे आर वॉन्डरिंग, या हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंस को लेके कुछ चल रहा है, दैट्स वाई दे आर इग्नोरिंग यू। उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। सो इस पर्सन के जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो ना फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये हाइड करते हैं बहुत ज़्यादा व्हाट्स गोइंग यू नो इनके मन में क्या चल रहा है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। बट नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें या तो हो सकता है कि आपको कुछ टाइम देना होगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइम देना होगा सो दैट दिस पर्सन लाइक आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो या कुछ स्टेबल हो जाए। यस, फाइनली मुझे ऐसा लगता है डिसीजन विल बी मेड, कोई डिसीजन मतलब लिया जा सकता है अबाउट दिस रिलेशनशिप। एंड जो सिंगल है उनके लिए ये दिखाई दे रहा है दैट आप कोई डिसीजन ले सकते हैं फॉर योर लव लाइफ, मैरिज, कमिटमेंट, और हो सकता है कि आपकी लव लाइफ लाइक आपको डिसीजन लेके हाँ ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है या ऐसा कुछ है। बट हाँ, वहाँ पे भी सोच समझ के, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है ये कि अगर आप टोटली सिंगल हैं तो टेम्पटेशन से मतलब किस तरह के लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, इसका ध्यान थोड़ा रखने की ज़रूरत है आपको। चलिए और देख लेते हैं सम रैंडम मैसेजेस फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, और फिर हम देखेंगे क्या गाइडेंस है, चाहे लव हो या करियर हो। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये दिस इज़ अ टाइम टू फाइट फॉर समथिंग। हो सकता है आप अपने फुल उस जोन में हैं एंड यू वांट टू, हाँ अगर करियर की बात करें तो बहुत अच्छा है। मैं कहूँगी कि आप जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं वो रंग लेके आएंगे, क्योंकि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं और यू नो लाइक क्या बोलें कि धन के साधन बन सकते हैं, या हो सकता है कि करियर वाइज कुछ अच्छा हो, तो इट्स गुड थिंग। लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ थोड़ी इश्यूज हैं। वहाँ आई थिंक इट्स अबाउट नॉट फाइटिंग, बट हाँ कि आप देखें कि कौन सा दरवाज़ा आपके लिए है, तो चूजिंग द राइट डोर। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आप इधर इधर उधर उधर होके आप सही रास्ते पर पहुंच रहे हैं, लाइक कभी इधर कभी उधर कभी उधर, फाइनली कोई चीज़ है जो आपको सही रास्ते की तरफ पुश कर रही है, वैसी वाली। या इट्स ऑल्सो अबाउट कि हाँ कि आप यू नो आपको एंजल्स सिखा रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप सही फैसला ले सकें फॉर योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, ऐसी एनर्जी है। चलिए Now, what else? सफरिंग, तो बाबा कहना चाहते हैं जो ग्रेटेस्ट सोल होती हैं ना, उनको बहुत सारी सफरिंग्स के थ्रू निकलना पड़ता है कई बार, तभी वो निखर के आती हैं, इवॉल्व होती हैं, जैसे सोने को तपाया जाता है तभी वो निखरता है। सिमिलरली और एंड आपका पर्पस है, आपकी सोल का कोई पर्पस है, आप ऐसे ही नहीं आए हैं, यू हैव अ पर्पस। सो बाबा कह रहे हैं कि फॉलो योर पर्पस, ऐसा ना हो कि आप इधर उधर भटक जाएँ। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट आपका क्या सोल पर्पस है, टू टेक केयर लाइक अ लाइट वर्कर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर अ लाइट वर्कर। अब लाइट वर्कर का क्या मतलब है कि हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, यू नो, सो यू आर अ केयर टेकर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो आपको शायद ये ड्यूटी सौंपी गई है कि कैसे संभालना है अपने अराउंड, कैसे चीज़ों को यू नो मतलब संजो के रखना है। अब वो घर से शुरू हो जाता है, आपके सराउंडिंग से शुरू हो जाता है, नेचर से शुरू होता है। इन एनी वे आप मदद कर रहे हैं
रहे हैं, यू नो लाइक फॉर द प्लैनेट अर्थ, कैसे भी हो, चाहे आप यू आर डूइंग एनीथिंग, कोई अगेन कोई सोशल सर्विस है, कुछ भी है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है. डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट. लोगों को जज मत कीजिए, बाबा यहाँ कहना चाहते हैं, ठीक है, डोंट जज अदर्स. आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, एंड थिंग्स विल गेट बेटर इन योर लाइफ. तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.